हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं डिस्कशन करूंगा कॉमेडके के सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ गया है, कॉमेडके के थर्ड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। मेरी को नहीं लगता है इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। बस मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मेरा सारा नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। चलो मैं डिस्कशन को, वैसे बच्चे जो भी एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ एक्स्ट्रा करने की ट्राई करें, ठीक है। फर्स्ट ईयर में होता है क्या ना, सब कॉलेज का सिलेबस सेम होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसे तुम चेकआउट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ एक्स्ट्रा करने की ट्राई करो, उसके बाद खुद तेरे ऊपर कॉलेज का प्रेशर आने लगेगा। चलो मैं नॉर्मल डिस्कशन करता हूं, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे क्या हुआ ना, फर्स्ट राउंड आरबी कॉलेज क्या गया, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था 225, सेकंड राउंड में कट ऑफ गया 315। देखिए कितना ज्यादा चेंज हुआ यहां पे। फर्स्ट राउंड में था 225, मैं बात कर रहा हूं सीएस आईटी और ईसी, मैं तीन ही के ऊपर बात करूंगा, और किसी किसी कॉलेज में एक्स्ट्रा ब्रांच ऐड हुआ जैसे एआईएमएल, ये सब ऐड हुआ, उसके ऊपर मैं नॉर्मल डिस्कशन करके बता दूंगा। उसके बाद एक और मैं बता देता हूँ, इन कितने तक तुम वेट कर सकते हैं अप्रॉक्स, अगर तुम्हारा 450 रैंक तक है तुम्हारा, हाँ तुम थर्ड राउंड तक उतने, मतलब थर्ड राउंड तक रेको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं अगर आईटी के ऊपर बात करूं तो फर्स्ट राउंड में गया था तुम्हारा 295 और सेकेंड राउंड में गया है 436। और एक्सपेक्टेड मैं बता देता हूँ तेरे को, मेरे को जैसा लग रहा है एक्सपेक्टेड तुम देख लोगे तो वही 550 तक तुम्हारा जा सकता है। अगर मैं बात करूं ईसी के ऊपर, ईसी का फर्स्ट राउंड में गया था 867 और सेकेंड राउंड में गया है 285। अगर एक्सपेक्टेड बात करोगे तो इसका भी वही लगभग 15K तक तुम्हारा मिल जाएगा तेरे को, अगर रैंक है तो, ठीक है। और बाकी के ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से तुम देख लेना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है एक्सपेक्टेड कटअप, उसे तुम देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो को मैं लगभग मोस्ट ऑफ द फ्रेंड मेरा कॉमेडी में है, वो सबसे मैं बात करने के बाद बनाया हूं। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले उस कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे से बात कर लो, ये मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं। देखो तुम वहां पे 4 साल पढ़ने वाले हो यार, कैसा कॉलेज है, अंदर से क्या है कॉलेज के बारे में, ये सब जानकर के ट्रैप में मत फंसो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। कमेंट के मोस्ट ऑफ द कॉलेज, जैसे मैंने बता रखा आरवी कॉलेज हो गया, एसआईटी हो गया, होरिजन हो गया, आचार्य हो गया, ये सब में मेरा फ्रेंड है, ठीक है। वो सबका हेल्प अगर लगेगा तो मैं उसका नंबर दे दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी दे दूं, तुम उससे बात कर सकते हो। पर एटलीस्ट कॉलेज ज्वाइन करने से पहले उससे बात कर लो। अगर ऐसा चाहते हो ना भैया मेरा तो मैंने कॉमेडी का रैंक थोड़ा खराब हो गया है, देखो एक बात मैं और बताना चाहता हूँ खुद का एक्सपीरियंस से। देखो क्या रहा है ना, अगर तुम अच्छा कॉलेज अभी नहीं लोगे तो बाद में तेरे को कुछ और आगे करना ही पड़ जाएगा, उससे अच्छा क्या है तुम अभी कॉलेज ले लो। अच्छे कॉलेज से तुम 70% अपना एफर्ट दोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा 100% के बराबर होगा। अगर कोई खराब कॉलेज से 100% दोगे तो वो 70% के बराबर होगा। चलो ये सब मतलब क्या बोलूं मैं, बस मैं इतना ही बोलूंगा, हमेशा ट्राई करो को अच्छे कॉलेज का में एडमिशन लेने का, जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, थोड़ा सब कुछ उसका अच्छा हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे आके पूछो या कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके ऊपर मैं बात करूं एमएस रमैया के ऊपर, देखो उसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था 529 और सेकंड राउंड का कट ऑफ गया 779, किसका, सीएससी का। अगर आईटी के ऊपर बात करोगे इसको आईएससी बोला जाता है, 950 गया है तुम्हारा फर्स्ट राउंड का था, अभी तुम्हारा 980 गया है तुम्हारा सेकंड राउंड का। और एआईएमएल का बात ऊपर करूं तो 1243 गया है साइबर सिक्योरिटी का। और उसके बाद मैं बात करूं तुम्हारा आईटी या ईसी के ऊपर तो लगभग वही मानो तो 2215 तक गया है तुम्हारा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी काउंसलर के ट्रैप में मत फंसना, अगर तेरे को कोई डाउट होता है तो मेरे से आकर के तुम इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में पूछो। उसके बाद बीएमएस के ऊपर मैं बात करूं, सेकंड का कट ऑफ गया 468 और तुम्हारा आईटी का गया 769 और तुम्हारा ईसी के ऊपर गया 999। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं तुम्हारा, सीएससी का लगभग 650 तक हो जाएगा तुम्हारा, बंद हो जाएगा यहाँ पे। अगर आईटी के ऊपर अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं तो लगभग 1145 तक और ईसी के ऊपर मैं बात करूं तो 1754। अगर तुम सब चाहते हो भैया एक बार डाउट क्लियर कर दो लाइव सेशन आकर के, भैया कब से क्लास ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, फर्स्ट ईयर में क्या मैं स्टार्ट करूं ज्यादा बेनिफिशियल होगा, सेकंड ईयर से कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूं, ये सब के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे आके पूछो। अब मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। पर्सनली कोई भी डाउट आता है तुमसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो ऑलवेज। उसके ऊपर मैं बात करूं बैंगलोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का, देखो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था 2171 और सेकंड का भी उतना नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ इसके ऊपर, ठीक है। मैं बता देता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है थर्ड राउंड का, सेकंड राउंड का मैं क्या करूंगा या स्क्रीन पे शो कर दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से तुम देख लेना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका हो सकता है सीएससी का 2632 तक जा सकता है, आईटी के ऊपर बात करूं 3725 तक जा सकता है, ईसी के ऊपर मैं बात करूं 7925 तक जा सकता है।
उसके ऊपर मैं बात करूं बीएमएस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाता है, थर्ड राउंड में 2500 तक जा सकता है तुम्हारा, तुम 3K तक इसका मान सकते हो। आईटी के ऊपर बात करूं तो एप्रोक्स तुम्हारा 5.5K तक जा सकता है, और ईसी के ऊपर बात करूं तो 11K तक तुम्हारा जा सकता है। ठीक, एक्सपेक्टेड कटअप थर्ड राउंड का, सेकंड राउंड का मैं स्क्रीन पे शो करूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, याद रखना। अरे एक और कॉलेज है ना, न्यू होरिजन, जिसका मतलब रैंक थोड़ा खराब है, वो मतलब उसको टॉप का कोई 5 कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो तुम इसे भी कंसीडर कर सकते हो, न्यू होरिजन बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरा एक फ्रेंड भी पढ़ता है। उसके ऊपर मैं बात करूं फिर दयानंद सागर कॉलेज के ऊपर, तो दयानंद सागर का एक्सपेक्टेड कटअप तुम्हारा जा सकता है सीएससी का लास्ट राउंड तक, थर्ड राउंड तक मतलब, तो 3K तक जा सकता है। आईटी के ऊपर बात करूं तो 4K अप्रॉक्स, और ईसी के ऊपर बात करूं तो लगभग 6K तक जा सकता है दयानंद सागर का। उसके ऊपर जेएसएस के ऊपर मैं बात करूं तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड कटअप तुम्हारा वही, इसका भी मानो 4K तक जा सकता है तुम्हारा सीएससी का। आईटी के ऊपर बात करूं तो लगभग 4.5K तक, ईसी के ऊपर बात करूं 7.5K तक जाएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड कटअप। ये वीडियो को मैं बहुत सारे फ्रेंड आज इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना रखा, प्लीज उसे एक बार चेकआउट कर लेना अगर कोई भी डाउट आता है तो। और कमेंट के में मिलता जुलता कॉलेजेस, मतलब सावधान रहे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज एक जैसा नाम है, क्या करेंगे इसके नाम पे तुम्हारा उसमें एडमिशन करवा देंगे, ये सब थोड़ा बच के रहना। उसके नितिन मीनाक्षी के ऊपर बात करूं तो अप्रॉक्स तुम्हारा 4.5K तक जाएगा सीएससी का। आईटी के ऊपर बात करूं तो लगभग 7.5K तक जाएगा, ईसी के ऊपर बात करूं तो 12K तक जाएगा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर बात करूं तो लगभग सीएससी का अभी तक गया है तुम्हारा 4K तक गया है, इसका 5K या 5.5K तक तुम मान सकते हो है तुम्हारा, तो क्योंकि देखा क्या होगा ना, बहुत सारे बच्चे इसको लेफ्ट करेंगे कॉमेट के को, और इससे अच्छा ऑप्शन में निकलने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा। और उसके ऊपर आईटी के ऊपर बात करूं तो लगभग 5.5K तक जाएगा, ईसी के ऊपर बात करूं तो लगभग 8-9K तक तुम्हारा चला जाएगा ये। उसके बाद आरएनएस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसका एक्सपेक्टेड कटअप थर्ड राउंड का है तुम्हारा, लगभग 8K तक मान सकते हो सीएससी का। आईटी के ऊपर बात करो तो 11K तक, और ईसी के ऊपर बात करो तो 18K तक तुम्हारा जाएगा। उसके बाद सीएमआरआईटी के ऊपर बात करो तो लगभग तुम्हारा 10K तक चला जाएगा तुम्हारा सीएससी का, और 12K तक तुम्हारा आईटी का, और 21K तक ईसी तक तुम्हारा जाएगा। बस बाकी अगर किसी के रिगार्डिंग डाउट आता है तो प्लीज अगर इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पूछ लो, बिल्कुल तुम्हारा हेल्प करूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तुम उससे। अगर मैं बात करूं एसआईटी का, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मेरे दो भैया इसे पास आउट है, ठीक है। अगर बात कर दूं इसका क्या कटअप जाएगा तुम्हारा थर्ड राउंड तक, तो लगभग 6.5K तक सीएससी का जाएगा, और आईटी के ऊपर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 7.9K तक जाएगा, और ईसी के ऊपर बात करूं तो लगभग 12K या फिर 12.5K तक तुम्हारा चला जाएगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर लगता हो हाँ मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर चाहते हो भैया मैंने कॉलेज में एडमिशन कर रखा है, बताओ मैं कहां से क्या स्टार्ट करूं, कौन सा स्किल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है, ऐसे मतलब बड़ा भाई समझ के तुम इंस्टाग्राम पे आके पूछो। चाहते हो भैया मैं अभी शेयर मार्केटिंग के रिगार्डिंग ट्रेडिंग सीखना चाहता हूं, ये मेरे को बताओ कौन सा कोर्स अच्छा है, किसी तरह का कोई डाउट आता है प्लीज यार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आ ही गए इतने अच्छे कॉलेज में किसी में भी, तो कम से कम 1-2 स्किल अपना मतलब इंप्रूव कर लो, जिसके ऊपर तुम वर्क कर सको, ठीक है। चलो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे आके पूछो। अगर चाहते हो भैया मैं डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता हूँ तो प्लीज तुम मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, डायरेक्ट कॉलेज से करवा दूंगा, बीच का जो काउंसलर होता है उसके ट्रैप में मैं तेरे को नहीं फंसने दूंगा, ठीक है। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।